आज की वीडियो में हमारे पास है यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी का M30s मॉडल। आज इसकी अपने स्मार्ट टीवी के साथ स्क्रीन मिररिंग करेंगे और सारा का सारा डेटा यहाँ पर आपको टेलीकास्ट करके दिखाने वाला हूँ। मेरा नाम है संजीव, आप देख रहे हैं लर्निंग बाबा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के अपने वीडियो। आपको बता दूं यहां पर मैं आपके लिए बहुत ही कमाल के और इंफॉर्मेटिव वीडियो हमेशा लाकर रहता रहता हूं, इसलिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों अगर आप भी 60 से 70 हजार रुपए ऑनलाइन कमाना चाहते हैं तो नीचे मैंने वीडियो का लिंक दिया है, फटाफट से जाकर उसे देख लीजिए और आपको काफी अच्छा आइडिया आ जाएगा। तो फिलहाल दोस्तों इसकी स्क्रीन मिररिंग करते हैं। तो देखिए स्क्रीन मिररिंग करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले अपने टीवी को, स्मार्ट टीवी को सप्लाई के साथ कनेक्ट कर लीजिए। और कनेक्ट करने के बाद एक उसका होम पेज का एक बटन होता है, होम लिखा हुआ होता है, देखिए कुछ इस तरह का आपको दिखाई दे रहा होगा फोन की स्क्रीन पर। तो देखिए इसको आपको प्रेस करना है तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आपको एक सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर जो रिमोट में आपको दिखाई दे रहा होगा एक सेटिंग का ऑप्शन, तो इस सेटिंग के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको वायरलेस डिस्प्ले का भी एक ऑप्शन दिखाई देने वाला है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता दूं, देखिए आपके टीवी में हो सकता है कि किसी और नाम से हो, स्मार्ट व्यू नाम से हो या फिर मीरा कास्ट नाम से हो या फिर स्क्रीन मिररिंग के नाम से हो, तो किसी और नाम से भी हो सकता है, फिलहाल यहाँ पर वायरलेस डिस्प्ले के नाम से है। तो आपको यहाँ पर सिंपली इसे यहाँ पर ऑन कर लेना है, तो ऑन करने के बाद यहाँ पर आपकी टीवी का वाईफाई यहाँ पर ऑन हो जाएगा। अब आपको सिंपली क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आपको जाना है अपने फोन के नेविगेशन बार में और नेविगेशन बार के जो मेन्यू है इनको यहाँ पर ओपन कर लेना। ओपन करेंगे तो यहाँ पर साइड से जब आप इसे स्क्रोल साइड करेंगे तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे आपकी यहाँ पर एक स्मार्ट व्यू का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। तो स्मार्ट व्यू के ऑप्शन पे आपको टच करना है, जैसे ही टच करेंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये देखिए यहाँ पर आपके स्मार्ट टीवी जो है अब यहाँ पर सर्च होकर आ चुकी है, तो आपको यहाँ पर सिंपली इसे टच कर देना है। तो जैसे ही आप टच करेंगे तो यहाँ पर देखिए स्टार्ट नाउ का ऑप्शन आ गया है और इस स्टार्ट नाउ के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये जो है कनेक्टिंग में चला गया है, प्रोसेसिंग में, और यहाँ पर देखिए आपकी जो टीवी है इस सेट के साथ यहाँ पर वर्चुअली कनेक्ट हो चुकी है। तो आप देखिए जो भी चीजें मैं यहाँ पर करने वाला हूँ वो सारी की सारी चीजें यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होंगी। तो फिलहाल मैं यहाँ पर फटाफट से इसका लॉक खोल लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे कैसे टेलीकास्ट होता है। देखिए इस तरीके से, देखिए यहाँ पर अगर मैं कुछ भी ओपन करूंगा, कोई भी ऐप्स यहाँ पर ओपन करूंगा, वो सारी की सारी चीजें आपको टीवी पर बड़े पर्दे पर दिखाई देगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप स्क्रीन मिररिंग कर पाएंगे इसकी। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।